आज हमने ज्ञापन दिया है सर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला कलेक्टर साहब थे नहीं उनके एब्सेंस में, हमने एडीएम सेकंड साहब को ये ज्ञापन दिया। हम ये चाहते हैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से जनहित के अंदर ये ज्ञापन दिया गया है। इसके अंदर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ 2.5 साल पहले यहाँ स्मार्ट सिटी का पैसा आया हुआ है, करोड़ों रुपये आया हुआ है, 1400 समथिंग कोई करोड़ रुपये इसमें आया हुआ है। हम चाहते हैं कि शहर के अंदर इस स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन से काम जो होने हैं उनके यहाँ पे होल्डिंग्स लगे और कितने काम उसमें हो चुके हैं, कितने उसमें व्यय राशि है और कितनी उसके अंदर खर्च हो चुकी है, काम की प्रगति क्या है। तो हमारा दायित्व बनता है कि शहरवासियों को मालूम पड़े। आपको एक वानगी के लिए मैं बताता हूँ कि वहाँ से हमने मालूम किया, उनके ऑफिस से उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत 42 क्लासरूम बनने हैं जिनके अंदर 90 करोड़ का बजट है और स्मार्ट क्लासेस बननी है। और हमने जाके देखा तो यहाँ लीपापोती करके उन्होंने उन स्कूलों में नयापन तो कुछ करा नहीं और उस पैसे को उसमें व्यर्थ कर दिया। आप देखिए एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे पुष्कर रोड के ऊपर बनाया जिसके अंदर करीब 10 करोड़ रुपये बताया। आप जाके देखिए वो तैरता हुआ फ्लोटिंग ब्रिज केवल नाम मात्र के लिए, पैसा कहाँ जा रहा है। अनासागर चौपाटी जो है, अनासागर चौपाटी की लाइटिंग्स के लिए 5 करोड़ रुपये आया हुआ है, आपके एविलेटेड रोड के लिए 220 करोड़ रुपया आया हुआ है, वाटर सप्लाई के लिए 103 करोड़ रुपया आया हुआ है, जिम स्पोर्ट्स लगेगी उसके लिए 3 करोड़ आया हुआ है, शहर के 20 पार्कों को विकसित किया जाएगा उनके लिए 5 से 10 करोड़ रुपया आया हुआ है। तो आज शहर के अंदर वो स्मार्ट काम दिख ही नहीं रहे, इसलिए हमने पहल करी है कि शहरवासियों को भी मालूम पड़े कि स्मार्ट सिटी के तहत कौन से काम होने हैं, उनके ऊपर कितना पैसा लगना है और कितना पैसा लग चुका है, और कितना पैसा लग चुका है तो वो फिर स्मार्ट शहर हमारा स्मार्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, हम शहरवासी हैं, हम इस शहर में पले हैं, बड़े हुए हैं, हमारा दायित्व बनता है, पीछे हमारी संतानें हैं, हमारे परिवार हैं। हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी काशी को क्योटो बना रहे हैं ना, तो हम भी चाहते हैं कि अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो पैसा है वो हमें भी मालूम पड़े। और आप देखिए कि ये भी एक भारत के मानचित्र पे आता है अजमेर का नाम, यहाँ दरगाह और पुष्कर शरीफ है, तो ये पैसा वाजिब जगह लगे और हमारे आम आदमी को ये मालूम पड़े, यही हमारा इसमें मोटिव है। सर कांति शर्मा, अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर।